वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भंग की काश्त के फवायद बता दिए। कहा, भंग में मौजूद अंसर के असरात शदीद दर्द के मरीजों के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। पोटोहार रीजन भंग की पैदावार के लिए बेहतरीन रीजन है। हुकूमत अब खुद भंग की काश्त करेगी। ये भंग की फैमिली से जरूर है लेकिन भंग नहीं है। ये पौधा घोल कर भी पी लेंगे तो कोई असर नहीं होगा। बाद को हमारी कोशिश है कि वो पहला शहर बने जो कि मुकम्मल तौर के ऊपर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी वो इलेक्ट्रिक बसेस और उसके ऊपर चली जाए। $50 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होगा। 120 बसें इंशाल्लाह इसी साल वो इम्पोर्ट करेंगे, लेकिन अगले साल से ये बसें जो हैं उसकी जो असेंबलिंग है वो पाकिस्तान में शुरू होगी और फिर 3 ईयर्स में इंशाल्लाह ये जो मैन्युफैक्चरिंग है ये पाकिस्तान में शुरू होगी। ये बसें अब जो हैं वो अगर बिजली के ऊपर या बैटरी के ऊपर चलना शुरू हो गई हैं तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में घर भी जो हैं वो बैटरीज पर शिफ्ट हो जाएंगे। हमारे यहाँ कपास चूँकि कम हो रही है तो उसकी जो कपास को रिप्लेस करना है वो हेम्प ने रिप्लेस करना है। हम ये चाहते हैं कि जो हेम्प की हमारी मार्केट है ये तकरीबन $1 बिलियन पाकिस्तान को दे सके अगले 3 सालों में।